अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमने दिल्ली क्यों छोड़ा था? ताकि विराट अपने पास से पीछा छुड़ा सके। उस प्रियंका का नाम तक उसके कानों में ना है, क्योंकि वो गुस्सैल, वो शराब में डूबा हुआ, अपने आप में खोया हुआ विराट हमें नहीं चाहिए था। आपने अभी खुद कहा दीदी कि कितनी मुश्किलों से उसने हंसना मुस्कुराना सीखा है, अपने सदमे से बाहर निकला है। और अब ये डिवोर्स की बात अगर यहाँ मुंबई में भी फैल गई तो हम क्या करेंगे दीदी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर विराट पहले जैसा हो गया तो हम क्या करेंगे। इसीलिए कह रही हूँ, वो लोग गुनाहगार हैं और गुनाहगारों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। सही कह रही हैं आप दोनों, उन लोगों को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। अमृता भवानी चिटनिस, अब अपनी उल्टी गिनती शुरू करो। तुम हर एक ये का हिसाब करूंगी मैं, जो तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसा तूफान लाऊंगी मैं तुम्हारी जिंदगी में। तलाकशुदा है ये, तेरी शादी टूटी, उसमें तेरी गलती थी। ऐसे लड़के जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते, जिसके साथ उसने सात फेरे लिए है, ये दूसरी लड़कियों की खाक इज्जत करेगा। अपनी बीवी पे सच में बहुत जुल्म किया होगी, तब भी तो डिवोर्स दे गई। क्या पता भागी गई होगी। मेरी घर में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ बाइक इम्पोर्टेंस है। जो दिल में भरा तूने, देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्ज़ी का अब अंजाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। चाहत का सिला जालिम, मतलब ही दिया तूने, मजबूर ना थी फिर भी धोखा किया तूने। नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम देखेगी। तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पिक्चर। मैं समझती हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। तुम्हारी थी ना मेरे पास, और तुमने मुझसे कहा था कि आपके इमोशंस को महसूस करती हूं, कहा था ना। और फिर मियाजी को जाके मेरी सारी पर्सनल बातें बता दी। नहीं नहीं सर, मेरी सारी पर्सनल बातें। उस दिन तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा, वो सिंपथी, वो इमोशनल ड्रामा, मैनिपुलेशन, मेरे से बातें शेयर की, वो सब इसलिए किया ना ताकि तुम अपनी जॉब रख सको। सब कुछ वाओ वाओ मिस बैंकर, कमाल का परफॉर्मेंस दिया तुमने मेरे सामने। एक्सीलेंट, टू गुड, तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। You know, आज तक सिर्फ लगता था कि सारी की सारी लड़कियां ना गोल्ड डिगर्स हैं, पर तुम तो उनसे भी आगे निकली यार। पहुंची हुई चीज हो तुम, वन एंड ओनली, यूनिक, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, मेरी मिस बैंक। इसके लिए ना तुम्हें तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए।
See, how's this? Banker is thirsty. ये सही है? हाँ? समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी तारीफ में ना और क्या कहूँ। कहना इतना इतना अच्छा इतना बड़ा बेवकूफ मुझे जिंदगी में किसी ने मिला। You really played me, Amrita. किसलिए? ताकि तुम अपनी जॉब रख सको, तुम्हें तुम्हें महीने की सैलरी आती रहे, तुम्हारा घर चलते रहे। Wow, excellent. अरे तुमसे तो सीखना चाहिए सबको। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ तुम्हें ना लोगों को कोचिंग क्लासेस देनी चाहिए कि कैसे लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करें, उनके सारे राज निकाल लें, उनकी सारी पर्सनल चीजें जान लें, सब कुछ। ये किया ना मेरे साथ, सब जान लिया। ये भोला चेहरा जो तुम बनाती हो ना, तुम्हारा ये जो इनोसेंट चेहरा, इसी का फायदा उठाती हो तो। सबको दिखाती हो कि मैं कितनी भोली लड़की हूं, कितनी नॉर्मल हो। दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स, दुनिया का सारा बोझ तुम्हारे इन कंधों पे। मैं बेचारी अबला नारी, मेरे से कुछ होता नहीं, मैं मिडिल क्लास लड़की हूं। फिर मैंने ऐसा नहीं किया, आप जानते मुझे। तो मैं जानता हूं। Really? Do I really know you? No. Don't you bloody dare. मेरे सामने ये भोला चेहरा फिर से मत बनाना। यही चेहरा लेके आई थी ना उस दिन तुम। इसी भोले चेहरे से तुमने मुझे इमोशनली एक्सप्लॉइट किया, मेरे अंदर के सारे राज जान लिए, मेरी सारी पर्सनल बातें जान ली। और क्या किया मैंने तुम्हें? वो सब बताया जो मैंने आज तक खुद से शेयर नहीं किया। तुमने क्या किया? जाके सब कुछ बक दिया अपनी आजी को कि आजी सुनो, ये है विराट सिंह आहूजा, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ही इज अ ब्लडी डिवोर्सी है, ये डिवोर्सी है। हाँ हूँ डिवोर्सी। तो क्या सर? मैंने सब कुछ नहीं कहा। एकदम Did you write? क्यों किया? इसके लिए ना बैठ कर तुम्हें तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। धोखा दिया है तुमने मुझे। क्यों आतावान हो चीते? सर मैं भी नहीं दिया। बंद करो। कोई फायदा नहीं। तुम्हारे इन झूठे आंसू पे ना अब यकीन नहीं होगा मुझे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।